हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन कैसा मोमेंटम रहने वाला है, क्या जो तेज़ी है वो कंटिन्यू रहने वाली है या फिर एक सेलिंग प्रेशर आएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड ट्रिगर कर रहे हैं और कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो नेगेटिव साइड भी मार्केट को ले जा सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही तरफ का मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कल बाइंग साइड भी आए और सेलिंग साइड भी आए, दोनों बायर्स को, अगर पुट बायर हो या कॉल बायर हो, दोनों को अच्छा खासा मौका मिले। या तो हो सकता है एक बड़ा फॉल मिल जाए, या तो हो सकता है जो 200-300 हर एक्सपायरी में पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, 500 पॉइंट बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से चीज़ें कंटिन्यू रहें। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, अगर हम लोग लेवल्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास जो रहेंगे वो अभी भी अगर हम लोग बात करें 52,000 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और ऊपर में 53,500 मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो हम एक बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की। 52,568 पर हम लोग क्लोज हुए हैं आज के दिन, करीब करीब बोल सकते हैं 140 पॉइंट्स ऊपर जा करके हम लोग क्लोज हुए। अब यहाँ से अगर बात करें कि भाई बैंक निफ्टी में रुकावट कहाँ पर आ रही है ऊपर की साइड जाने में, तो वो एक रेजिस्टेंस हमारे पास छोटा सा है 53,100, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और दूसरा रेजिस्टेंस है 53,308 जो कि ऑल टाइम है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है आने वाले समय में एक अच्छा हमें मोमेंटम मिल जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की बात करें, नीचे सपोर्ट हमें जो मिल रहा है वो 52,000 पर मिल रहा है। साइकोलॉजिकल नंबर भी एक है कि भाई 52,000 पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने पुट राइट भी करके रखी हुई है। अब अगर ये ब्रीच होता है लोगों की पोजीशंस, या फिर हम लोग बोलेंगे कि लॉन्ग है, वो अनवाइंड होने शुरू होंगे और अच्छा खासा मोमेंटम नीचे भी मिल सकता है। फिर दूसरा ब्रेक हमारे पास 51,680 पर, और उसके नीचे 51,230 हमारे पास कहीं ना कहीं ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो कल की अगर एक्सपायरी की बात करें, मुझे जो लगता है अगर बात करें ओआई डाटा की, तो 52,000 ये अगर बचा लिया तो हम लोग इसके आसपास या फिर इससे 100-150 पॉइंट ऊपर जा करके क्लोज होंगे। और अगर ऊपर निकला 53,100 तो हो सकता है हम लोग 53,500 तक भी कल के दिन में देखें मार्केट को जाते हुए। तो ये दो चीज़ें हैं, दो लेवल्स हमें ध्यान में रखने। अब कल ओपनिंग कैसी होती है, गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, जो डेली का ट्रेंड चला आ रहा है वो है पॉजिटिव ओपनिंग का। हर बार हम देख रहे हैं 100-150-200 पॉइंट का पॉजिटिव ओपन होता है, फिर एक करेक्शन मिलता है 150-200-250 पॉइंट का, और उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर जाता है। ये चीज़ आज से नहीं, हम लोग पिछले 4-5-7 ट्रेडिंग सेशन से यही चीज़ कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं। तो उसी हिसाब से आज हमने कॉल साइड में एक BTST ट्रेड भी ले लिया कि भाई कल खुलने दो गैप अप, तो हम लोग वहाँ पर पैसा बना सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर कुछ रात में ग्लोबल मार्केट्स में कुछ घट जाए, फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए जो मार्केट को नेगेटिव ले जाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है गैप डाउन में हमें देखने को मिले। इसलिए हमने जो चांस लिया है BTST का, वो सिर्फ एक लॉट से लिया कि भाई अगर रिस्क आए, लॉस आए, तो लॉस आए हमारा कम पोजीशन पर, प्रॉफिट आए ठीक है कम पोजीशन पर प्रॉफिट होगा, तो लॉस भी कम पोजीशन पर ही होगा। कॉन्फिडेंस कम था थोड़ा सा, लेकिन जो चीज़ अगर देखा जाए पॉजिटिव जा रही है वो जा ही रही है। थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल्स के, फंडामेंटली कुछ चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो बंधन बैंक का सबसे पहले जो नंबर्स आ रहे हैं वो ख़राब है, HDFC बैंक के नंबर्स ख़राब है। तीसरी चीज़ अगर आप लोग देखोगे इंडसइंड बैंक, वहाँ से भी थोड़ा सा निराशा देखने को मिला है। अगर HDFC बैंक कल के दिन में थोड़ा सा और गिरता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी को नीचे की साइड ड्रैग कर ले। लेकिन अभी हमारा व्यू देखिए, अब हमेशा होता है कि हम फंडामेंटली चीज़ें देखते हैं और उसी के बेस पर अपना व्यू बना लेते हैं। कल के डाटा की भी बात करें, डाटा में कोई ख़राबी नहीं थी, FIS ने कल भी सेलिंग किया था तो भी आज के दिन हम लोग बढ़ गए। तो वो चीज़ है, मार्केट किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, डाटा के हिसाब से मार्केट मूव नहीं कर रहा है। तो ऐसे में यही चीज़ है कि भाई ठीक है, जहाँ हमें प्राइस एक्शन दिखे वहाँ पर हम लोग ट्रेड बनाएंगे। आज पूरी कोशिश थी कि भाई प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड बनाए, बट आज के दिन में मोमेंटम ही नहीं आया। तो वो बोलते हैं ना कि भाई ख़राब किस्मत के साथ में कुछ भी किया नहीं जा सकता, मोमेंटम आए तभी तो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। भाई 200-250 पॉइंट का किसी भी साइड मोमेंटम मिले तो देखने को मिलेगा कि भाई ठीक है प्राइस इस साइड जा रहा है, यहाँ पर हम लोग एंट्री बना सकते हैं, बैठ सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो वो चीज़ है। अभी भी बोलूंगा कि बैंक निफ्टी तो ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए बैंक निफ्टी और निफ्टी में से, तो मुझे अट्रैक्टिव वही लगता है कि भाई आप निफ्टी के अंदर ट्रेड लीजिए। अगर आपको बैंक साइड में जाना है, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। 24,433 का हमारा ये क्लोजिंग आई है आज निफ्टी के 100 पॉइंट ऊपर करीब करीब। आज भी मार्केट ने नया लाइफ टाइम हाई लगाया 24,450 का। ये हाई पर मार्केट टिक नहीं रहा है, 24,420-430 बहुत बार बार आ रहा है इसके आसपास, या फिर 24,400 की रेंज में बार बार मार्केट यहीं पर आ रहा है। तो ये एक चीज़ है कि बार बार यहाँ पर आ रहा है तो ब्रीच नहीं कर रहा है इसको, तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन आ रही है, फिर हम लोग बोल सकते हैं सेलिंग प्रेशर आ रहा है।
अब अगर निफ्टी साइकोलॉजिकल 24,500 के ऊपर निकल करके टिक जाती, ये तो तेजी में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। अगर एक रेजिस्टेंस देखा जाए तो भाई आज का हाई लगा है, ये फिर से रेजिस्टेंस का ही काम कर जाएगा वापस से, कि ऑल टाइम हाई है, यहीं पर एक स्टॉपेज मिलना चाहिए। लेकिन एक लेवल और देता हूँ मैं आपको, 24,500 अगर इसके ऊपर जाए और टिक जाए, मतलब सस्टेन करे इसके ऊपर जा करके, तो हम लोग देख सकते तेजी आएगी। ऐसा नहीं हो कि फॉल्स ब्रेकआउट आए 24,480, 24,500 पर आए और एकदम से दर दर 200-250 पॉइंट की गिरावट आए, 500 आए कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट तक टिक जाए इसके ऊपर, तो हम लोग आराम से देख सकते 25,000 का नंबर निफ्टी हमारा सेलेक्ट कर ले या फिर निफ्टी वहाँ तक पहुँच जाए। नीचे सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? सपोर्ट हमें मिल रहा है 24,340, मल्टीपल टाइम यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिए बार बार, क्योंकि निफ्टी के अंदर 25-50-100 पॉइंट का मोमेंटम आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। आज थोड़ा सा बड़ा देखने को मिला, बाकी दिनों बहुत ही छोटा छोटा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दूसरा सपोर्ट है 24,200 और लास्ट है 24,000 का नंबर हमारे पास रहेगा। साइकोलॉजिकल लेवल भी है और वाई बिल्टअप भी यहाँ पर है कि भाई दूर के जिन्होंने स्ट्राइक प्राइस बेच के रखा है, दूर के पुट्स जिन्होंने बेच के रखे, प्रीमियम खाने को मिल जाए, जो भी डिके उनको मिले, क्योंकि परसों एक्सपायरी भी है। तो ये तीन चार लेवल्स, तीन चार चीज़ें हैं, क्योंकि निफ्टी को ना संभालने वाले बहुत हैं। आज के दिन में देखा जाए तो मारुति ने संभाल लिया या फिर ऑटो सेक्टर ने संभाल लिया। ऑटो सेक्टर में बाइंग आई, M&M में आई, मारुति में बाइंग आई, तो यही चीज़ है कि निफ्टी के साथ में ना खड़े बहुत लोग हैं। एक शेयर गिर रहा है तो दूसरा संभाल लेता है, आज रिलायंस गिरा तो उसके सामने दूसरे शेयर है, उनकी वजह से निफ्टी बढ़ गया। तो वही चीज़ है, निफ्टी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बाकी कुछ न्यूज़ भी ऐसी आ रही है या फिर ऐसा हमें लग रहा है, बजट में कुछ बड़े ऐलान होने वाले हैं, उसमें से एक तो सब लोग बोल रहे हैं जो TDS या फिर जो टैक्सेशन में जो 30% वाला, दूसरा हमें ऐसा लगता है कि जो हर दिन एक्सपायरी आ रही है ना, ये चीज़ हो सकता है कि बदली जाए या फिर बदल देंगे बजट में, या फिर बोलेंगे कि हर दिन नहीं मंथली एक्सपायरी वापस से चालू करें। तो वो चीज़ हमें लग रहा है कि ऐसा बजट में होना चाहिए, अगर हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो वो चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर ऐसे कुछ अनाउंसमेंट आते हैं वो मार्केट को पॉजिटिव लगते हैं या फिर निगेटिव लगते हैं, या फिर बजट को लेकर के, क्योंकि 23 अब ज़्यादा नहीं रहा, 2 हफ्ते का टाइम रहा है, तो उसके बीच में कुछ अनाउंसमेंट्स, न्यूज़, नहीं तो कहीं ना कहीं से मैंने सुना है, ये सब चीज़ें निकलनी शुरू होंगी। पॉजिटिव वे में आएगी मार्केट बढ़ेगा, निगेटिव वे में आएगी मार्केट गिरेगा, दोनों ही साइड इम्पैक्ट हो सकता है। जो हमें पागल बनाया था या फिर एग्जिट पोल के नंबर्स की बात करें या फिर इलेक्शन के टाइम पर बात करें, जो जिस हिसाब से नंबर्स आए वो थोड़ा सा ख़राब आए थे और उस दिन हमने फॉल देखा था, तो बजट के टाइम पर इस बार ये गलती नहीं करनी है हमें, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। पोजीशंस हल्की कर लेंगे, एक दिन पैसा नहीं बनेगा चलेगा, लेकिन बड़ा लॉस हमें नहीं करना है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रख करके ट्रेड करना है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होगी, तो आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलेंगे कल एक और नए लाइव सेशन के साथ में। कल हम यहाँ पर भी लाइव सेशन करेंगे 1 से 1.5 घंटे का, और बाकी जो हमारा कोर्स चल ही रहा है या फिर जो हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं वो तो चल ही रहा है। तो जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप लाइव ट्रेडिंग प्लान के लिए एनरोल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, हमारी लिंक बायो में रहेगी और आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।